प्रीतम चौहान ने निभाई ऐसी प्रीत, राव इंद्रजीत वाले भी राजी और अरविंद यादव भी बने मीत। भाजपा के रेवाड़ी जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान की संस्तुति पर जिला संगठन में हुई नई नियुक्तियों को लेकर यही कहा जा सकता है। मीत का अर्थ है मित्र। प्रीतम चौहान ने कुछ अपनी सुनी, कुछ मित्रों की सुनी, कुछ मन की मानी और कुछ दूसरों के कहने से कर दिया। नई नियुक्तियों का सार संक्षेप में यही है। आगे बढ़ने से पहले मेरा नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। विधानसभा चुनाव बेशक दूर हैं, मगर लोकसभा चुनाव निकट देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ संगठन की किसी भी कड़ी को कमजोर नहीं रहने देना चाहते। आज बात करते हैं रेवाड़ी जिला इकाई की। जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम चौहान ने जहां अपनी टीम में महामंत्री की नियुक्ति की है, वहीं पार्टी ने युवा मोर्चा, महिला मोर्चा व किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं। जिला अध्यक्ष के नाते उन्होंने अपनी टीम में जिला महामंत्री का महत्वपूर्ण दायित्व सत्यदेव यादव को दिया है। इसी क्रम में पार्टी ने महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी डॉक्टर कविता गुप्ता को दी है, जबकि युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष का दायित्व पार्षद रहे सज्जन पहलवान के बेटे निखिल मांडिया को सौंपा गया है। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष का दायित्व धारूहेड़ा के धर्मवीर को दिया गया है। आप पहले अपनी स्क्रीन पर इन नव नियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान देखिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इन नियुक्तियों को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जाना स्वाभाविक है। संगठन में जब भी कोई नई नियुक्ति होती है तो ये अटकलबाजी जरूर लगती है कि संबंधित पदाधिकारी किस खेमे से लिया गया है। अब भी वही हो रहा है। सत्यदेव यादव और डॉक्टर कविता गुप्ता को हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव का नजदीकी माना जाता है, जबकि निखिल मांडिया को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खेमे में गिना जाता है। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि राव ने इस तरह की किसी भी नियुक्ति में दखल नहीं दिया, लेकिन निखिल, राव के खास सिपहसालार सुनील मुसेपुर और जिलाध्यक्ष प्रीतम चौहान दोनों के चहेते हैं। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में प्रीतम सिंह की संस्तुति को ही मुख्य कारण माना जा रहा है। खैर, कारण चाहे कुछ भी रहा हो, मगर इन नियुक्तियों से एक ओर जहां अरविंद यादव की पूछ बड़ी हुई मानी जा रही है, वहीं दूसरी ओर यह भी माना जा रहा है कि जिलाध्यक्ष को देरी से ही सही कम से कम हर मोर्चे पर काम करने वाले साथी तो मिले। माना जा रहा है कि नई नियुक्तियों के बाद संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं उसमें जरूरत के समय कुर्सियां भरने की क्षमता मानी जा रही है। इसी के साथ ही अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने की अपील करती हूँ। धन्यवाद।